तो सिलेबस की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडी और जेडब्ल्यू के कॉमन सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। कॉमन सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट आर्मी, नेवी और एयर तीनों विंग में कॉमन है उसके सिलेबस के बारे में। ओके, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स के लिए सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में जेडी और जेडब्ल्यू यानी जूनियर डिवीजन जूनियर विंग के कॉमन सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो एनसीसी के ऊपर इनके टोटल 5 पीरियड होंगे, जो फर्स्ट ईयर में 5 होंगे, सेकेंड ईयर में कोई पीरियड नहीं होगा। ओके, ये टोटल क्लासेज हैं यानी टोटल पीरियड हैं। ओके, ये आपकी जितनी क्लासेज सेकेंड ईयर में होगी, ये जितनी क्लासेज आपकी फर्स्ट ईयर में, और ये है सब्जेक्ट का नाम। ओके, एंड हेयर इज सीरियल नंबर। ओके, होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये एक ब्लॉक सिलेबस है, इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो टोटल आपकी 170 क्लासेज होंगी दोनों साल में। ओके, 89 फर्स्ट ईयर में, 81 सेकेंड ईयर में। तो देखते हैं एनसीसी जनरल के ऊपर। एक बात और बता दूँ, इस एल का मतलब होता है लेक्चर, आगे एक पी भी आएगा जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। ओके, तो टोटल पीरियड आपके 5 होंगे, 5ों के 5ों फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन के टोटल पीरियड 9 होंगे, 4 फर्स्ट ईयर में, 5 सेकंड ईयर में। ड्रिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 19 होंगे, सेकंड ईयर में 21 पीरियड्स होंगे। ड्रिल एल और पी यानी लेक्चर भी होगा, प्रैक्टिकल भी होंगे, और टोटल 40 पीरियड्स होंगे। वेपन ट्रेनिंग की अगर बात करें तो 21 पीरियड फर्स्ट ईयर में, 12 पीरियड सेकंड ईयर में, टोटल 33 पीरियड होंगे। और ये सिलेबस है यानी ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 10 पीरियड हमारे फर्स्ट ईयर में होंगे और 9 पीरियड हमारे सेकंड ईयर में होंगे, टोटल 19 पीरियड होंगे। लीडरशिप पे 6 पीरियड फर्स्ट ईयर में, 6 पीरियड सेकेंड ईयर में, टोटल 12। डिजास्टर मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड ईयर में फिर 5, और टोटल 10। सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 14 पीरियड होंगे, सेकेंड ईयर में 16 पीरियड होंगे, और फाइनल ईयर में टोटल मिला के 30 पीरियड होंगे दोनों साल की ट्रेनिंग में। हेल्थ एंड हाइजीन के टोटल 7 पीरियड होंगे, फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 5। एडवेंचर ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में 1 पीरियड होगा, सेकेंड ईयर में कोई पीरियड नहीं होगा, टोटल 1 ही पीरियड होगा। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 2 पीरियड होंगे, सेकेंड ईयर में फिर से 2 पीरियड होंगे, और टोटल 4 पीरियड होंगे। ओके, तो ये है आपका सिलेबस। आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशनड है, उस पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सकते हो। तो एंड आई मेक श्योर अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको अल्फा ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विश यू वेरी गुड लक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक को भी कमेंट कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ओवर दैट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद।